धनबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की आम सभा सह नव वर्ष मिलन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्थान 2024 का कोयला नगर के सामुदायिक भवन में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं मुख्य वक्ता झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन रांची के महासचिव सुभाष मंडल, धनबाद के औषधि निरीक्षक राजीव एक्का, रंजीत चौधरी और घनश्याम की गरिमामय उपस्थिति रही। वहीं ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में पोस्टर का अनावरण इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर ए के सिंह, धनबाद जिलाध्यक्ष डॉक्टर मेजर चंदन और बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष असीम हलधर, धनबाद के अध्यक्ष संदीप आइस द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में धनबाद जिले से लगभग 600 सदस्य उपस्थित हुए। सांसद पीएन सिंह ने कहा कि जिले के करीब 13 लाख दुकानदार भाइयों का मिलन समारोह में ऑनलाइन के कारण हो रही समस्या से अवगत हुए, इस मुद्दे पर कार्य किए जाएंगे ताकि इनका भी बेहतर उत्थान हो। देखिए, एक बड़ी संस्था है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, देश में 13.5 लाख इनके सदस्य हैं। उन्हें कहा जाए कि 13.5 लाख दुकानें ये आवश्यकता की पूर्ति करता है और सब लोगों को कहीं ना कहीं दवा की आवश्यकता पड़ती है। उसको कहाँ का मैन्युफैक्चरर है, कोई बॉम्बे का है, पुणे का है, कोई चेन्नई का है, सबकी दवाइयाँ ये उपलब्ध है करा रहे हैं। एक तरह से कहूँ कि ये व्यापार के साथ साथ सेवा भी कर रहे हैं समाज का, तो उनका आज जो है उत्थान के लिए यहाँ पर मिलन समारोह रखे हैं। इस व्यापार का उत्थान कैसे हो, और इसी बीच जो समस्या है कि ऑनलाइन सप्लाई से इनका व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो इतनी बड़ी संख्या में अब इसका क्या रास्ता हो कि इनका व्यापार भी प्रभावित ना हो और लोग ऑनलाइन सस्ता खरीदने लेते हैं दवा, तो एक बड़ी समस्या इनके सामने, चुनौती भरा आज खड़ा हो गया है। अभी इस समस्या का निदान अगर नहीं रहे होगा तो 13.5 लाख ड्रगिस्ट, और 13.5 का मतलब है कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो करीब करीब करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। तो उसके लिए, इसके उत्थान के लिए ये कार्यक्रम रखे हैं मिलन समारोह 2024 में। निश्चित रूप से हम इनको शुभकामना देंगे कि इनका समस्या भी निदान हो, इनका व्यापार भी बढ़े और इनके परिवार में खुशी भी रहे।